हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से आप बिना कूलर और एसी के अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गर्मी में हमें बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं और गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है कि अपने घर में एसी या कूलर चलाना शुरू करना पड़ता है। एसी और कूलर को चलाने के बहुत से नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही एसी और कूलर अगर आप बहुत ज़्यादा चलाएँगे तो उससे आपका बिजली बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। और कूलर और एसी को वैसे भी पूरे घर में हर जगह हर कमरे में नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसे में आप किस तरीके से गर्मी में भी अपने घर को बहुत ठंडा रखने के मैं आपको बहुत से ऐसे उपाय बताने वाली हूँ। अगर आप अपने घर को कुदरती रूप से ठंडा करना चाहते हैं तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने छत का जो भाग है उसको ठंडा रखना पड़ेगा। दिन के समय में छतों द्वारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो सूर्य की किरणें होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे कि गहरे रंग की छतों काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। छतों पर सफ़ेद पेंट करने से 70 से 80% तक की जो है गर्मी की कमी लाई जा सकती है। तो ऐसे में जब भी आप कोई अपना घर बनवाते हैं या जब भी आप पेंट करवा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सफ़ेद पेंट ही करवाएं, ताकि गर्मी में वो चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दें। हमारा अगला तरीका है कि आप पर्दों से भी ठंडक को जो है ला सकते हैं। अत्यधिक सूरज की रोशनी से क्या होता है कि जो हमारे कमरे होते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, और इससे बचने के लिए आप पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पर्दे जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, जितनी भी गर्मी आती है उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और घर को ठंडा रखते हैं। गाढ़े रंग के पर्दे धूप को अपनी ओर खींचते हैं, वहीं हल्के पेस्टल और वाइट कलर के जो पर्दे होते हैं वो धूप से बचाते हैं। तो जब भी आप पर्दा लगाते हैं तो आप बिल्कुल सफ़ेद तो मत लगाइए, क्योंकि वो बहुत ही अजीब लगेगा, लेकिन आप कोई भी हल्के रंग का पर्दा यूज़ कर सकते हैं। और एक गलती तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो है कालीन आपको कभी भी अपने घर में नहीं बिछाना है। कमरे में बिछे जो कालीन होते हैं वो घर को गर्म कर देते हैं, इसलिए घर में ठंडक को बनाए रखने के लिए कमरे में जो है कालीन के को हटा देना चाहिए। खाली फर्श ठंडा रहता है और गर्मी के दिनों में जो ठंडे फर्श होते हैं उन पर नंगे पैर चलना काफ़ी अच्छा लगता है और वो फ़ायदेमंद भी होता है। एक और जो अगली बात है कि आपको अपने बेड कवर को भी हल्के रंग का ही रखना है। गर्मी में गहरे रंग को जो है वो गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है, इसलिए घर में ठंडक बनाए रखने के लिए आपको हमेशा बेड कवर का रंग हल्का रखना है। जैसे कि आप हल्का गुलाबी, सफ़ेद या हल्का पीला रंग जो है काफ़ी अच्छा लगता है, जबकि नीला और लाल रंग गर्मी को बढ़ाते हैं। तो आपको कभी भी नीला या लाल कलर का कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है। घर को ठंडा रखने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी जो घर की छतें हैं वो ठंडी रहें, क्योंकि अगर घर की छतें ठंडी रहेंगी तो पूरा घर ही ठंडा रहेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सुबह शाम जो है घर की छत पर पानी से छिड़काव करना है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका होता है। और एक गलती जो कि हम आमतौर पर करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा लाइटें लगा लेते हैं अपने घर पे, या बहुत सारे तरह के उपकरण का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन हम शायद ये नहीं जानते कि बिजली से जुड़े उपकरण जो हैं दिन भर में आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बिजली से बचने वाले उपकरण बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, अपने टीवी को, अपने डेस्कटॉप को, वॉशिंग मशीन को या ओवन को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि आप लाइट्स का भी कम से कम इस्तेमाल करें। लाइट जो है घर के तापमान को बढ़ा देती है, ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। बहुत ज़्यादा चमकने वाले बल्ब बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। जहाँ पर बैठने की जगह है एकदम वहीं पर सिर के ऊपर लाइट नहीं होनी चाहिए, वरना आपको बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। दोस्तों, आप अपने घर को ठंडा रखने के लिए पेड़ पौधों की सहायता भी ले सकते हैं। अगर आप अपने घर के आंगन में या गार्डन में पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके घर में ठंडक बनी रहेगी। दोस्तों, एक लास्ट आपको टिप देना चाहूँगी, और लीस्ट नहीं है, कमरे में ठंडक बनाए रखने के लिए आप ना कूलर को एसी भी बना सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने कूलर में एक कटोरी जो है आइस के क्यूब्स डाल देने हैं। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलेगी वैसे वैसे इसका ठंडा पानी पंखे के जरिए चारों तरफ सर्कुलेट हो जाएगा, जो कमरे के ठंडापन को बढ़ा देगा। तो आप चाहें तो एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि कूलर आपका एसी की तरह वर्क करेगा। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।